ना, तो मैंने इसलिए हाफर माउथ के पास भी लगा लिया है और अब हो जाएगा। टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए यार, यूज़ करो ना अपने को, अपने हैंड्स पे भी लगा सकते हो, ऐसे मसाज कर सकते हो। देख गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी पिंकू लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज का हमारा टॉपिक है अपने लिप्स का कलर लाइट करना, देन सही तरीके से हम कैसे लिपस्टिक लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कारण क्या है हमारे लिप्स ब्लैक होने के। सबसे पहले क्या फ्रेंड्स, टैनिंग की वजह से सन प्रोटेक्शन वाला लिप बाम हम यूज़ नहीं करते हैं। कई लोग सोचते हैं लिप बाम कोई सा भी हो लगा लो, नहीं, आपको जितना आप अपनी स्किन की केयर करते हो उतनी ही आपको अपने लिप्स की भी केयर करनी चाहिए। सो सबसे पहले आप सन प्रोटेक्शन वाली क्रीम लगानी चाहिए, टैनिंग हो जाती है लिप्स से, उससे भी हमारे लिप्स ब्लैक हो जाते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग बहुत कम कर दीजिए या बिल्कुल ही ख़त्म कर दीजिए, उससे भी हमारे लिप्स ब्लैक हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, हम कोई भी लिपस्टिक अपने लिप्स पर अप्लाई कर लेते हैं उससे भी हमारे लिप्स ब्लैक हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, हम लिपस्टिक लगा के ही सो जाते हैं उससे भी हमारे लिप्स ब्लैक हो जाते हैं। सो आपको ध्यान रखना है, सन प्रोटेक्शन वाली आपको लिप बाम यूज़ करनी है। और मेन हैबिट जो कि मेरी खुद की है, लिप्स को लिक करना। आप लिप्स को चाटते रहते हो उससे आपके लिप्स फटे रहते हैं हमेशा और ब्लैक हो जाते हैं, और वो तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब हमेशा ही ब्लैक रहेंगे अगर आप लिक करते रहोगे अपने लिप्स को। ये मेरी हैबिट थी लेकिन अब छूट चुकी है, अब मैं ऐसे काम नहीं करती। सो अपनी बैड हैबिट्स को आपको छोड़ना है, चाहे कोई भी हैबिट हो, वक्त लगता है लेकिन धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है वो हैबिट्स। सो लिक नहीं करना अपने लिप्स को, मॉइस्चराइज़र रखना, लिप बाम मतलब मॉइस्चराइज़र वाली यूज़ करनी है आपको जिसमें SPF हो। और रात को सोते वक्त आपको नारियल का तेल या गाय का घी, आमंड ऑयल, इन तीनों में से कोई भी चीज़ अपने लिप्स पे अप्लाई करना ज़रूरी है आपको। सो फ्रेंड्स, ये था कारण कि हमारे लिप्स कैसे ब्लैक हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे लिप्स कैसे लाइट हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी फ्रेंड्स कि आपके लिप्स बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएंगे। कई लोग क्या होता है, एक दो बार रेमेडी को ट्राई करके ना बंद कर देते हैं, बोलते हैं कोई रिजल्ट ही नहीं है, बेकार रेमेडी। नहीं, अगर आप होम रेमेडी कर रहे हो, DIY कर रहे हो, तो फ्रेंड्स आपको उसको वक्त देना चाहिए, 1 से 2 मंथ तक, तभी उसका रिजल्ट 100% आपको दिखता है। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, पहले मैं ऐसे ही करती थी, ट्राई करती थी, नहीं हो रहा यार बस, फिर मैंने कंटिन्यू उन चीज़ों को फॉलो करा, सो रिज़ल्ट मुझे उसका मिला। मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो को फिर स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर चीनी लेनी है और हाफ लेमन लेना है। मैंने यूज़ करा हुआ लेमन लिया है, आप चाहो तो फ्रेश लेमन भी ले सकते हो जिसके अंदर ज़्यादा रस हो। और चीनी को ना थोड़ा सा क्रश कर लेना, मतलब चाहो तो चीनी का पाउडर भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर चीनी को थोड़ा सा क्रश कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हनी मिलाएंगे, मैं डाबर का हनी ले रही हूँ, आप कोई भी हनी ले सकते हो। चीनी हमारे जो पिगमेंटेशन होती है बहुत जल्दी हाइड करती है, आप देख सकते हो। बिल्कुल थोड़ा सा मिलाना है आपको, हाफ टेबल स्पून। या चीनी हमारे जो भी पिगमेंटेशन होती है ना उसको लाइट करती है, और लेमन तो आपको पता ही है लाइटिंग एंड ब्राइटनिंग के काम आता है। ये हमारी स्किन को, लिप्स को बहुत लाइट कर देता है। लेकिन ये नहीं कि आपने एक बार यूज़ किया या दो बार यूज़ करा और हो गया, नहीं, ये जो DIY होते हैं ना इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। मतलब आप उसको 2 मंथ तक यूज़ करो तो फिर आपको रिज़ल्ट दिखेगा। मैं ट्रूथ बोल रही हूँ, कहीं आप एक बार यूज़ करने पर बोलो कि मैम रिज़ल्ट तो दिख नहीं रहा, नहीं, आप कम से कम इसको 1 से 2 मंथ तक यूज़ करोगे आपको रिज़ल्ट दिखेगा। और जो भी आपकी बैड हैबिट्स है, जैसे मैंने बताया लिप्स को लिक करना, चाटना, और जो स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग ख़त्म करना, और जो भी आपकी बैड हैबिट्स हैं जो लिप्स को नुकसान पहुँचाते हैं उसको ख़त्म करना, उसके बाद इस DIY को आप फॉलो करना। और हम ये लेमन लेंगे अच्छे से, अपने लिप्स की मसाज करेंगे। हनी हमारे लिप्स पे अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा हमारे लिप्स को। आपको ये वीक में 2 बार करना है। टेस्टी लग रहा है यार। और इसको आपको 5 से 10 मिनट के लिए करना है।
कम से कम आपको 5 मिनट तो मसाज करनी है अपने लिप्स के अच्छे से। सो फ्रेंड्स, अब 10 मिनट हो चुके हैं, इसको एकदम से आपको वॉश नहीं करना है, मैंने तो अपना पूरा मुंह ही सान लिया। इसको सिर्फ लिप्स पे ही करना है, बट यहाँ पर मेरे पिंपल्स हो रहे थे ना, तो मैंने इसलिए यहाँ पर माउथ के पास भी लगा लिया है। और इसको ना 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है आपको, उसके बाद आपको वॉश करना है। लेकिन अभी मेरा बचा हुआ है यहाँ पर, तो मैं अपनी फिंगर्स पे अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पर ये जो काले काले हैं ना, ये भी आपके ठीक हो जाएंगे अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे तो। जब तक ये इसमें 10 मिनट हो जाएंगे, जब तक ये भी रफ हो जाएगा। टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए यार, यूज़ करो ना अपने टाइम को, टाइम है तो आपके पास। तो फ्रेंड्स, अब देखो मेरे लिप्स भी सूख गए हैं, अब मैं इसको पानी से वॉश करूँगी। हैंड पे भी स्क्रब हो चुका है, अब मैं इसको पानी से वॉश। सो फ्रेंड, देख सकते हो कई हद तक मुझे फ्रेश फील हो रहा है, सॉफ्ट लग रहे हैं, जितनी भी डेड स्किन थी लिप्स के ऊपर वो सारी निकल चुकी है। अब हमको तुरंत ही लिप बाम अप्लाई कर लेनी है फिर लिप्स पे। अपनी लिप्स की भी हमें केयर करनी चाहिए, तो मैंने तुरंत उसका स्क्रब करने के बाद लिप बाम लगा लिया। आप कोई भी लिपस्टिक लगाइए, उससे पहले आपको लिप बाम लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपके लिप्स ड्राई नहीं होते। अगर खासकर आप मैट लिपस्टिक लगा रहे हो, उसके बाद आपको क्या करना है, लिप बाम लगाने के बाद आपको हल्का सा अपना लिप बाम साफ़ कर लेना है। अगर आप मैट लिपस्टिक लगा रहे हो तो मत कीजिए, और अगर आप नॉर्मल क्रीमी लिपस्टिक लगा रहे हो तो थोड़ा सा अपने लिप बाम को साफ़ कर लेना है आपको ऐसे। आप कोई पेपर भी ले सकते हो, जो एक्स्ट्रा लिप बाम होगा वो हट जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी कॉम्पैक्ट या पाउडर लेना है। और लिप्स पे फ्लाई कर लेना है आपको। इससे क्या होगा, आपकी लिपस्टिक लॉन्ग टाइम तक लगी रहेगी आपके लिप्स पे, और लिप्स का कलर भी अच्छे से आएगा। आप मैट लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हो, कोई भी लिपस्टिक अगर इस तरीके से लगाओगे तो लॉन्ग लास्टिंग आपकी लिपस्टिक चलेगी। उसके बाद क्या करना है, आपको लिप लाइनर से आउटलाइन बना लेनी है, ताकि आपकी लिपस्टिक अच्छे से आपको फिल हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप बिगनर्स हो तो ऐसे ही लिपस्टिक लगाना। उसके बाद मैं लैक्मे 9 to 5 की लिपस्टिक यूज़ करूँगी। ये तो रेड कलर है, मैं न्यूड शेड अप्लाई करूँगी। आपको आउटलाइन के अंदर ही अंदर फिल करना है अच्छे से। सो लिपस्टिक हमारी यहाँ पर लग चुकी है, देख सकते हो आप स्क्रब करने के बाद कितना प्यारा और ग्लोसी कलर आ रहा है लिपस्टिक का। अब आप कुछ भी मतलब खाओ भी हो तो आपकी लिपस्टिक इतनी जल्दी नहीं हटेगी, चाहे कोई भी लिपस्टिक हो। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जो उसके साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली, बाय, यू टेक केयर।